हेलो जी, राम राम जी। कैसे आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे। और हम भी एकदम बढ़िया। बहुत बढ़िया, खुशी है आज। और आज तारीख है 7 मई। 7 मई को मेरे मम्मी पापा यानी कि इसके सास ससुर जी की एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है। और वो भी 37वीं। और अब हम धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सुबह से ना हमने कोई स्टेटस लगाया है, ना हमने मम्मी पापा को विश किया है, तो उनको ये लग रहा है कि हमें याद नहीं है। तो ठीक है भाई, मतलब बुरा भी नहीं मान रहे कि ठीक है, बच्चों की इतने बिजी शेड्यूल हो गया है कि भूल गए हैं। लेकिन भाई, माँ बाप को तो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते, तो हम उनके ये सब इतने स्पेशल दिन कैसे भूल सकते हैं। तो हमें याद है, लेकिन हम जाए कैसे मार्केट में उनके लिए कुछ, मार्केट में उनके लिए सरप्राइज कैसे रखें, तो ये सब चीज़ें हमने फिक्स किया है। इसने इस झूठ बोली है। आज सुबह से ये बोल रही है मम्मी को कि है ना मम्मी, मेरे पेट में दर्द कंटिन्यू हो रहा है और है ना अजीब सी महसूस हो रहा है। तो मम्मी ने बोला है कि तू ठीक है भाई, चेकअप करवाया। तो हम अभी भिवानी जा रहे हैं, लेकिन मम्मी पापा को हमने बताया है कि हम जा रहे हैं चरखी दादरी, जो कि हॉस्पिटल में, लेकिन हम जा रहे हैं भिवानी। और हम मम्मी पापा के लिए एक गिफ्ट ले रहे हैं, गोल्ड का कुछ, मतलब गोल्ड का लेंगे, लेकिन क्या लेंगे वो अभी डिसाइड नहीं हुआ। वहाँ पे जाने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। और अभी हम निकल रहे हैं और मम्मी पापा को 1% भी भनक नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले। बहुत बड़ा सरप्राइज है और जो उनकी हैप्पीनेस आज तक मतलब मैं छोटा था तब ये सोचता था, जब टीवी में या किसी के भी मम्मी पापा की या फिर किसी की भी मैरिज एनिवर्सरी देखता था, तो मैंने अपने लिए कभी नहीं सोचा मेरी मैरिज एनिवर्सरी ऐसे सेलिब्रेट करूंगा। लेकिन मेरा ये था कि कभी मैं बड़ा हो गया मम्मी पापा के लिए ऐसा कुछ करूंगा कि उनको स्पेशल करेंगे। लास्ट ईयर लॉकडाउन था तो हमने उनको स्पेशल सरप्राइज दिया था, केक कट करवा के, वो भी शाम को। तो आज केक भी कट कराएंगे, लेकिन एक उनको इनके लिए गिफ्ट है मम्मी पापा के लिए। तो गाइज, और सभी को करना चाहिए। मैं सबसे एक चीज बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि गोल्ड की कोई चीज गिफ्ट दो या ना दो, लेकिन माँ बाप की एक एक चीज, ये छोटी छोटी खुशियां है ना, उनको विश भी नहीं करोगे ना तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें, हमारे माँ बाप विश नहीं करेंगे ना तो हमें बुरा लगेगा कि मम्मी पापा आपने विश भी नहीं किया। लेकिन उनको विश की जरूरत नहीं है, ना उनको गिफ्ट की जरूरत है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक रिस्पेक्ट की, प्यार की इनकी जरूरत है, अटेंशन की, इन सब की जरूरत है। तो प्यार दे, रिस्पेक्ट दे, अटेंशन दे अपने माँ बाप को, प्लीज। ये रिक्वेस्ट है मेरी, गिफ्ट हमारे या विश कोई इम्पोर्टेंस नहीं। तो अभी हम लेट हो रहे हैं और नेवी, मेरा तो कुछ बोलने नहीं देना। चल तू बोल, चल बोल, बाद में बोलना। तू गाड़ी में बोल रही हो, तू गाड़ी, तू क्योंकि ये चिल्लाएगी और ये यहीं पे काम खराब कर देगी मुझे लग रहा है। चलो भी लेट हो, ठीक, अभी हम लेट हो रहे हैं, अभी हम निकल रहे हैं। एक क्लिप मैं आपको बना के दिखाऊंगी क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन। तो हम शाम को आएंगे और बस माइंड में एक थोड़ा ये है कि केक को कहाँ रखे हैं, केक को पड़ोस में किसी के भी फ्रिज में रख के आएंगे, वो हम डिसाइड कर लेंगे। अभी हम निकल रहे हैं, लेट हो रहे हैं। ओके गाइस, चलो। हेलो, मेरी बात सुन, तेरे वो सारे वो ले लिए कागज वगैरह जो भी चेकअप करवाए थे नरेला हॉस्पिटल में, सारे ले लिए, वो डॉक्टर वगैरह पूछेंगे सारा, वो ले लिए रिपोर्ट वगैरह, और कैश ले ली कुछ मम्मी से, जल्दी आ जा, लेट हो रहे हैं। तो अभी मैंने रिपोर्ट ले ली है, इनको देख लो, मुझे मत देखो क्योंकि मेरे लोग में मेरा कोई काम नहीं है, इनका काम। आपका चैनल अच्छा चल रहा है ना? अपनी रिपोर्ट ले, आपका चैनल अच्छा चल रहा है ना? 3 मिलियन होने वाले, 3 मिलियन। यस गाइस, थैंक यू। अच्छा सुनो, लास्ट ये बोला था कि फ्राइडे को जब 1 मिलियन हुआ था तो ये हुआ था कि नेक्स्ट फ्राइडे तक 2 मिलियन हो जाने चाहिए, आज सैटरडे है, लेकिन आज सैटरडे है, आज 3 मिलियन होने वाले हैं। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर मी। और आपने डॉक्यूमेंट्स ले लिया अपने रिपोर्ट्स के? लग नहीं रहा, हॉस्पिटल में जा रही है। तो कहाँ जा रही हूँ? चल। ओके गाइस, मम्मी की तो आप जाऊँ मैं, मम्मी आपने प्रॉमिस करा था मेरे तक पिज्जा खुआओगे, पिज्जा है वो दे, 3 रुपया दे दिया, देखिए रहा ये मम्मी ने बोल दिया पिज्जा खिलाएंगी, अब आप कुछ नहीं कर सकते, पिज्जा खा गया है, पिज्जा अच्छा 1 रुपया दे दिया, हजार आज आप। तो हम निकल लिए हैं घर से, मैं पीछे वाली सीट पे आज इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मेरे साथ है अपना भाई है, वो उसको कुछ काम था, वो मैं भी जा रहा हूँ वहाँ। चल ठीक है, बैठ ले। तो अभी हम निकल लिए, थोड़ी देर में भिवानी पहुँच जाएंगे। आज तो हमने जाती छत लबाबदार मिला, चाप दिया था हम सैंडविच में, सैंडविच ना ये तो ना खाए तो पॉपकॉर्न खाओ मैं ये शर्ट चेंज करवा के लाऊंगा तो फिर ठीक है, ये भाई इसने जरूरत है यार, काम जरूरी है, पहले सैंडविच सुंडविच रहने दे, मना कर दू, 3 मनवा लेते हैं ना, ले लो तू भी, ना खा के चले जाऊंगा, क्यों इतना टाइम मारते रहे 15-20 मिनट, ये तो
15 मिनट देखते हैं, जो दो ऑप्शन है कि तो शर्ट चेंज करवा ले के वो सैंडविच खा ले, बता क्या करेगा और अभी एक भैया है जिनकी शॉप पे हम अभी आए। बयानी से कौन है भाई, कौन कौन है कमेंट करके बताइयो। छोटी क्या छोटी काशी है भिवानी, ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होता था। भिवानी जंक्शन महान सपूत बाजारे खास लो भिवानी, कौन कौन आया लो भिवानी भाई? ये अपना लोगो है, ये लोगो है। अच्छा अब आजकल यहाँ पे इस पे पोइट्री हो रही है टीम 416 शो का, वो अपना सुमित भाई का ये प्रोग्राम है। तो भाई जितने भी आस पड़ोस के अपने भिवानी के चरकी दादरी के कहीं के भी जो पोल्ट्री करना चाहते हैं तो आए भाई, अचार 16 टीम अचार 16 शो करके है, तो आओ भाई अपने। है सुमित भाई? बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सभी का। नेक्स्ट शो जब होगा तो आप लोगों को इनवाइट कर दिया जाएगा। बिल्कुल भाई, के टच में रहे। अपनी इंस्टा आईडी सुमित गोड 011 मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा, भाई को फॉलो कर, आपको एक्टिविटी से रिलेटेड जितनी भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए मिल जाएंगे वहाँ से। भाई हम जब भी भिवानी आते हैं तो सुमित भाई ये हमें जरूर खिलाते हैं, बहुत टेस्टी है। प्लीज ट्राई करना, ये फूड पार्ट बन दिया। तो अंजी अभी हमने कुछ खाया है और अभी हम जा रहे हैं ज्वेलरी शॉप पे और वहाँ से कुछ परचेज करते हैं। दो चीज ली है, दोनों में कंफ्यूज है कि कौन सी ले क्योंकि दोनों बेस्ट हैं। तो हाथ में रखी है, अब सेलेक्ट कर जो वही ये वाली। तो फाइनली अभी मम्मी और पापा जी के लिए जो हमने सरप्राइज प्लान किया था वो अभी हमने ले लिया है। तो ये आए थे यहाँ पे बोर्ड लेने, और बोर्ड के साथ क्या खा रहे हो अभी? बनाना शेक। बनाना शेक, ये तो कॉम्प्लीमेंट होता है यार, देते हैं ये लोग, बहुत प्यार करते हैं ना, ये रिस्पेक्ट होता है। ये भाई पीसी ज्वेलर्स की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला, मैं तो स्टार्टिंग में सोचा मास्क दे रहे हैं क्या गिफ्ट है, बाद में पता लगा कि इसमें कुछ है, माल है, माल क्या है दिखाओ। थैंक यू भाई क्या है दिखाओ, ऐसी क्यों दिखाई यार, कुछ तो है, गोल्ड का है, चैन है, इतनी मोटी ऐसे थोड़ी दिखाते हैं सरप्राइज गिफ्ट। तो अभी मैं भिवानी आई हुई थी पीसी ज्वेलर में और मुझसे मिलने आई है मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड नम्रता, और मेरे को इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी वैसे मैंने बताया नहीं था इनको कि भी मैं भिवानी आ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था ये मिलने की जिद करेगी और ये बोल रही इतना टाइम नहीं है, बट इन्होंने स्पेशली टाइम निकाल लिया, तो थैंक यू सो मच। और ये जो मैंने सूट पहना हुआ है ये इन्होंने स्टिच किया हुआ है, मैं बता दूँ आपको। हम आए हैं केक लेने के लिए, हमने ज्वेलरी से तो शॉपिंग कर ली है, केक लेने के लिए आए हैं और काफी ट्रैफिक है यहाँ पे, तो बस अभी हम केक लेके निकल रहे हैं, लेट हो रहे हैं काफी। जी तो अभी हम आए हैं भिवानी की सबसे पुरानी बेकरी एशियन बेकरी में, और ये भाई उनके ओनर हैं और इन्होंने हमारे लिए गिफ्ट जो केक है वो रेडी कराया है, बहुत ही अच्छा गिफ्ट केक है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। हमारा केक बनके रेडी हो गया है और एक केक अंदर है फ्रिज के अंदर, और एक ये केक है जो मेन केक है, इसके अंदर जो गिफ्ट रखा है हमने। थैंक यू ब्रो, वेलकम सर। ये स्पेशली इतनी फास्ट मतलब कोई बना नहीं सकता, भाइयों ने इतनी मेहनत करके इतना जल्दी बनाया है, तो गाइस विजिट करें यहाँ पे आगे। जी तो अभी बज गए 7:30 और अभी हम मार्केट में ही हैं, काफी लेट हो गए केक वेक में भी और उसमें ज्वेलरी शॉप पे भी काफी टाइम लग गया। तो मम्मी का फोन पे फोन आ रहा है कि कहाँ क्या हुआ, अभी डॉक्टर ने ऐसा क्या बताया है। तो बस अभी जस्ट हम भिवानी से निकल लिए हैं और एक घंटे में यानी कि 8:30-8:30 बजे हम घर पे पहुंच जाएंगे। मम्मी जी पापा जी को गिफ्ट पसंद आएगा ना? डेफिनेटली पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा। तो भाई हम जी हम आगे घर पे, 3 बजे गया था रात ही, ले आओ दवाई। ले आओ, क्या दवाई दी है? इन्फेक्शन की दवाई दी है। क्या दवाई? इन्फेक्शन की दवाई, ये मेरा गर्मी के कारण हो रहा है। पानी कौन पीवे तुम?
मैं तो कहूँ मम्मी पानी की गंदा, और मैं तो डेली कहूँ फ्रूटी ला दो, कोका कोला ला दो, लिक्विड की कहीं है नहीं थी। लिक्विड तो लिक्विड फ्रूटी कोका कोला से कभी भी कम नहीं होती है घर पे, वो है फ्रूटी नहीं गई उसने तो। अरे तो घर पे ही रखा हुआ ग्लूकोंडी वगैरह मिला मिला के पियो, नींबू पानी पी ले, जो भाव है ना वो भाव, ऐसा कुछ नहीं होता, डॉक्टर भी बेवकूफ है फिर तो। हमने अभी केक ले लिया और हम जा रहे अभी अंदर, और अभी मम्मी पापा को बोलेंगे कि आपके लोगों के लिए केक लेके आए हैं, सिंपली केक कट कर दो और हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। ओके चलो पापा जी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू भाई। माँ हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। एक मिनट माँ, तन्ने की सोची तेरी मैरिज एनिवर्सरी याद नहीं है तारी? अरे मेरा याद कौन थी तेरे याद थी। चलो एक केक लेके आया हूँ मैं तार खातर। बुढ़ापा में बेटा ये केक क्या क्या वाला सोच कुछ ना। आ जाओ जाओ, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आओ पापा जी, पिज्जा भी खिला देंगे, पहले एक केक तो कट कर लो। आ जाओ आ जाओ, चलो चलो। अभी हो रहा है केक रेडी। एक है वो नेवी का है और एक नेवी के दादा दादी का है। तेरा बाप ने कदे लाड करे, मेरा बेटा लाड कर करके बावल हो रहा है। चलो थोड़ा सा कैमरे को प्लीज नजदीक लेके आए, प्लीज प्लीज प्लीज। तो ये हमारा केक है और पहले पापा जी दे दो मम्मी वाली। तो ये मम्मी के लिए है, ये पापा की रिंग है और आज पहनाएंगे ये। ले ये पहना लो पापा जी ने, और ये पापा जी का है मेरा लाडला, मेरा बेटा। चलो ये आप देख सकते हो कितनी हैप्पी ये वीडियो बनाती है। ये देखो भाई कितनी रिच है। चलो अभी केक कट करते हैं मैरिज एनिवर्सरी का। इतना बड़ा सरप्राइज दिया भाई, केक कौन के? नाला ये तो ये केक है वैसे दिखाने का ये। फाइनली मम्मी पापा बहुत ज्यादा खुश है, मतलब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा खुश हुए हैं। तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी जो प्लानिंग थी सुबह से वो हमारी रंग लाई है। हम गए थे और अभी रात को आए हैं, तो जो हमने की मेरे तो सब काम आया। अभी केक कट कर रहे हैं सेकंड वाला। ओके नेवी इसको तोड़ रहा है ये मार मार के। केक कट करो, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। चलो भाई मम्मी पापा तारी जोड़ी हमेशा बड़ी रहो, नुई भगवान तार दोनों का बीच में नुई प्यार, नुई लड़ाई होती रहे, नुई प्यार बढ़ता रहो भगवान। और मेरी मम्मी पापा की जोड़ी है, सबकी जोड़ी हो, मैं तो चाहता हूँ कि हमारी भी जोड़ी ऐसी रहे। बुढ़ापे की है सबकी गलिया। चलो पापा जी ने थोड़ा कम खाई, पापा जी ने कुछ दिखा लिया। चलो तू विश कर दे जल्दी से। ये तो भाई थैंक यू सो मच मम्मा जी, थैंक यू सो मच। चलो ठीक, इतनी झूठी बोली थी, इतनी झूठी बोली भाई, इतने मेरा काला तो निकल गया था। मैं भाई इतनी बीमार हो रही थी, बीमार मेरे से इतनी सोचूं मेरे बारे में एनयू बोले फोन करे ना, उन्होंने पापा जी मेरे तो कई टेस्ट हो रहे हैं, मेरे को तबीयत खराब हो गया। इतनी झूठ मत बोलिया करे, मैं भी आप झूठ नहीं बोलते तो सक्सेस नहीं होता ना। चलो तो कैसा लगा गिफ्ट मां? बहुत अच्छा बेटा, डिजाइन सही है, मैंने पहली बार खरीदी है। ना 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 आत्म सोजना आज लग गया यार। पापा जी वैसे बताओ तो आप वाला डिजाइन सही है? हां मैंने सबसे रिचलू के लगी थी ये, सबसे मतलब खूब एक नंबर की चीज है, खतरनाक की लगा थी कि हां खतरनाक है। चलो ठीक है जी, तो अभी बज गए रात के 10:30 और अभी हम सो रहे हैं। आज का दिन बहुत अच्छा था और मैं अभी व्लॉग एडिट करूंगा और फिर सोऊंगा। नेवी तू भी सो जा, गुड नाइट।